नमस्कार आलोक जी। नमस्कार अरुण जी, क्या हो रहा है? यही देख रहे हैं। अच्छा, प्रकृति के नज़ारे। प्रकृति के नज़ारे। तो इस तरह से यूं आप पालकी लगा करके बैठे हो, क्या बात है? ये अरुण जी, जैसे रात बरसात हुई थी। अच्छा, तो इसके ऊपर जो मिट्टी थी वो तो चली गई। अच्छा, एक यहाँ पक्षी पाया जाता है जो रात को भी विचरण करता है और बोलता है। अच्छा 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 अच्छा। पानी के किनारे और पानी के अंदर भी अंडे देता है। अच्छा, तो अंडे है क्या ये? ये अंडे है उसके, इसको बोलते हैं टिटोली। तो लंबे पैरों वाली होती है। अच्छा, मैरून और व्हाइट कलर की उसकी होती है अपने पंखे। अच्छा, और थोड़ी कबूतर से बड़ी होती है। अच्छा, ये उसके अंडे है जो हमेशा ये गीली मिट्टी के पास, जैसे आप अभी ये देखो ये गीली मिट्टी है, तो इसमें ये पास में अंडे देती है, इसके ऊपर से पानी निकलता है। तो ये पत्थर ये सब उसने इकट्ठे करके छोटे छोटे, ये एक उसका घोंसला है, मतलब मकान है। अच्छा, छोटे छोटे पत्थरों का। हाँ, और इसके हाथ नहीं लगाना, नहीं तो इसके ऊपर बैठेगी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये उसके अंडे हैं। अब ये जैसे पकेंगे इसके ऊपर रात भर वो बैठती है, करती है जब ये अंडे पकेंगे। अच्छा, हाँ, इसको बोलते हैं टिटोली के अंडे। इसका कोई हमारी प्रथाओं से कोई ऐसा, जैसे अभी कभी आप सुगंध की बातें करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या टिटोली? टिटोली का सुगंध का नहीं होता है। जब भी टिटोली रात को ज्यादा बोलती है और ये अंडे देती है जी, तो समझ लेना कि इस साल अच्छी बारिश होगी। अच्छा, और जो सुकाल जिसको बोलते हैं, अच्छा, अकाल नहीं होता है, हरियाली होगी, पशु पक्षी सबके लिए, इंसानों के लिए, मतलब बारिश की पूरी संभावना है। अच्छा, और जहाँ भी ये अंडे देगी तो उस इलाके में बारिश, मतलब संपूर्ण तरह से हरियाली और बारिश खूब होगी। अच्छा, तो ये है टिटोली के अंडे। और इससे जैसे बच्चे निकलेंगे, जैसे रात भर इसको, दिन भर ये इसकी निगरानी करती है वो कौवा से। अच्छा, वैसे ये यहाँ की जैसा हमारी प्रकृति है उसके साथ मिले हुए हैं, पत्थर में नजर नहीं आते हैं। नहीं, इसी कलर के होते हैं ये, और ऐसी जगह देती है जहाँ मतलब लोग जाते आते नहीं हो और पशुधन भी वहाँ कम हो, और जिसको बोलते हैं मगरा। अच्छा, जहाँ मतलब थोड़े बहुत कंकर हो, थोड़ी हार्ड जगह हो, सख्त जगह पे देती है ये। बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे तो ये नज़र भी नहीं आ रहे थे, आपने बहुत अच्छा है बात बताया। देखो दोस्तों, हम प्रकृति के साथ कुछ न कुछ नज़ारे देखते रहते हैं, करते रहते हैं, और आलोक वाह हमें कुछ दिखाते रहते हैं। तो आज यह टिटोली के, यहाँ की भाषा में टिटोली के अंडे हैं, तो इस तरह से हमने देखा, तो ये प्रकृति के साथ मैच किए हुए हैं दोस्तों। रात भर वो इसकी रक्षा करती है, दिन में वो छुप जाती है। बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो यह बिल्कुल पत्थरों के साथ मिले हुए हैं। अब ये पकने वाले हैं, जब ये कच्चे होते हैं तो एकदम गेहूं ही रंग के होते हैं। अच्छा, गेहूं के आकार के। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम सफर में आए थे घूमने के लिए, और हमें एक बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी ने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार।